गाइज यदि आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हर्षा इंजीनियर्स और इसके अलावा पेटीएम तथा LIC के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ऐसी कंपनी हैं जो अभी हाल ही में तकरीबन एक साल से थोड़ा ही ज़्यादा हो रहा होगा इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्टेड हुए। लिस्टेड होने के बाद हालांकि अच्छे रिटर्न तो निकाल कर नहीं दिए हैं, लेकिन इन दिनों में जिस तरीके से इन तीनों कंपनियों को शेयर प्राइस में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, इसके बदौलत मानकर चल सकते हैं कि अब इस कंपनियों के दिन बहुरने वाले हैं और इसमें अच्छी तेज़ी आने वाली है। तो यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है या नहीं भी और नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए शुरुआत करते हैं हर्षा इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी से। हर्षा इंजीनियर्स एक लीडिंग इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। बिजनेस मॉडल मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखेंगे तो 406 रुपए पर इसने क्लोजिंग दिया है और तकरीबन 1.5% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिली है। सिर्फ एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ, वहीं पर यदि आप इसके कंपनी के एक सप्ताह का देखेंगे तो एक सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 23% के आसपास आपको चढ़ते हुए नजर आया है। यहाँ पर देखेंगे इसका चार्ट तो क्या शानदार तेजी आपको देखने को मिलेगा। पिछले एक मंथ में भी देखेंगे तो स्टॉक ग्रीन में ही दिखाई देगा, तकरीबन 16% से अधिक स्टॉक चढ़ा है। और वहीं पर पिछले 6 मंथ में देखें तो जैसे मैंने बताया अभी साल भर तकरीबन हुआ इस कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट हुए, तो लिस्ट होने के बाद से कंपनी में अच्छा रिटर्न इन तीनों कंपनी में देखने को नहीं मिला है। ज़्यादातर इस स्टॉक में देखेंगे तो गिरावट देखने को मिला है, लेकिन अब देखिए जो अप्रैल मंथ है या ये अप्रैल मंथ है यहाँ से इसका प्राइस कितने तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है और इसको जब आप मिलाएंगे तो तकरीबन वहाँ तक ये पहुँच गया है। यानी कि अब एक बार जरूरत है इसको इस लाइन को ब्रेक होने के बाद, उसके बाद इसमें शानदार तेजी देखने को मिलेगा। ये है हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी और मैं यहाँ पर आपको इस कंपनी के चार्ट दिखाता हूँ और चार्ट के माध्यम से क्या हो सकता है इसमें बताता हूँ। अभी इस कंपनी के एक साल का चार्ट ओपन हुआ है और एक साल के चार्ट पर जो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में तो यहाँ पर ये लिस्ट हुई थी तकरीबन 480 रुपए के आसपास, इसको 500 रुपए का लेवल मान लीजिए। और 500 के पर लिस्ट होने के बाद देखेंगे तो धीरे धीरे प्राइस करके नीचे ही आया, जैसे हमने शुरू में बताया कि तीनों कंपनियों में देखेंगे लिस्ट होने के बाद प्राइस नीचे आया है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसमें ठहराव आ गया था इसके शेयर प्राइस में, लेकिन वहाँ पर ये स्टॉक ठहर नहीं पाया था जैसे यहाँ पर देखेंगे, और फिर इसको ब्रेक करके इसका शेयर प्राइस नीचे आ गया। और इस लेवल के पास जो 380 रुपए का लेवल है यहाँ पर तकरीबन इसने दो बार ठहराव लिया है। एक बार ठहराव लेने के बाद ऊपर गया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन दूसरी बार देखेंगे तो इस लेवल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गया है। और अब जब प्राइस ऊपर आ गया है तो ये सीधे आ सकता है अपने इस लेवल के आसपास जो इसका ये वाला एरिया है 420 रुपए को। 420 रुपए को ब्रेक करने के बाद सीधे इसका प्राइस आएगा 460 रुपए, और जो ये दो दो मेजर रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करने के बाद इसका प्राइस यदि इसके ऊपर निकलता है तो सीधे आपको फिर से 500 रुपए तक शॉर्ट टर्म में आपको इस कंपनी के प्राइस जाते हुए दिखेंगे। तो शॉर्ट टर्म में यदि पैसा बनाना चाहते हैं तो इस लेवल तक के लिए आप आराम से जा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेटीएम का। ये रहा पेटीएम जिसको 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखेंगे तो तकरीबन 647 रुपए के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है 0.91% की तेजी के साथ। ये तो एक दिन की तेजी की बात हो गई। यहाँ पर यदि हम इस कंपनी के 5 दिन यानी कि एक सप्ताह की तेजी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 4% के आसपास स्टॉक आपको चढ़ते हुए नजर आया है। पिछले एक मंथ में भी इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिला है, तकरीबन 5% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिला है एक मंथ में। और यहाँ से मिड मार्च के बाद देखेंगे तो इस स्टॉक में तेजी आना शुरू हुआ, और अभी अप्रैल में देखेंगे तो ये जहाँ से मिड मार्च के बाद इसमें तेजी आना शुरू हुआ था उससे ऊपर निकल गया है अप्रैल में ये तेजी, और आने वाले समय में तेजी अभी और ऊपर जाएगी। मैं इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। ये रहा 197 कम्युनिकेशन और ये देखेंगे तो ये इस कंपनी के एक साल का चार्ट है। एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी तो इस लेवल के आसपास तकरीबन ये 650 रुपए के आसपास के रेट 600 के आसपास यहाँ पर ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर भी गया और प्राइस ऊपर 800 के आसपास गया था, लेकिन फिर प्राइस धीरे धीरे नीचे आया और काफ़ी दिनों तक एक रेंज अमाउंट में घूमते रहा 500 से 550 के बीच में, फिर ऊपर गया और अभी देखेंगे 650 से 600 के बीच में ट्रेड कर रहा। और अब क्या हो सकता है उसके बारे में देखें। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस को ऊपर जाने के लिए ये जो एरिया है 650 रुपये का एक मेजर रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद इजीली इसका शेयर प्राइस आपको 700 रुपये के करीब जाते हुए दिख सकता है, और मेरा अनुमान है कि तेजी बरकरार रहती है तो 750 रुपये तक भी आपको जाते हुए इजीली ये दिख सकता है। यानी कि पेटीएम में आप 700 से लेकर 750 रुपये तक जाने की तैयारी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म इसका प्राइस वहाँ तक जाते हुए दिख सकता है। अब हम लोग बात करते हैं LIC का। ये रहा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको शॉर्टकट में LIC के नाम से जाना जाता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 551 रुपए से अधिक प्राइस के साथ इसने क्लोजिंग दिया है तकरीबन 0.28% चढ़ के। अब देखेंगे ये एक दिन की बात हो गई, वहीं पर एक सप्ताह में देखें तो एक सप्ताह में भी इस स्टॉक में तकरीबन 3% के आसपास तेजी देखने को मिली है। वहीं पर पिछले एक मंथ में देखें तो एक मंथ में स्टॉक तकरीबन 8.5% के गिरावट के साथ ही दिखेगा, और 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में कुछ खास तेजी इसमें देखने को नहीं मिले। जहां तक देखेंगे 10-11% के आसपास इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। ये रहा LIC, और अब आपको मैं LIC के एक साल का चार्ट ओपन करता हूं। तो ये रहा LIC के एक साल का चार्ट ओपन मैंने किया। आप देखेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था तो यहाँ पर 850 रुपये से ऊपर इसने लिस्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद प्राइस धीरे धीरे नीचे ही आने लगा और काफ़ी दिनों तक इस रेंज अमाउंट में रहा जो कि 650 से 700 के आसपास का लेवल है, और इसके बाद फिर प्राइस नीचे ही आया। अब देखिए अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस आप देखेंगे तो 600 से लेकर 550 इसी के बीच में काफ़ी दिनों से रह रहा है, तकरीबन फरवरी 2023 से तो यही इसी के बीच में। अब देखिए अब यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि इस कंपनी का शेयर प्राइस धीरे से अब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए आपको दिख रहा है। तो ये तेज़ी जो आपको देखने को मिली है, और यदि मार्केट में और शानदार तेजी आ जाती है जो रेजिस्टेंस है 600 का,
ये इसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस हमेशा रुकावट का काम करता है किसी भी स्टॉक में। लेकिन तेजी आती है और शानदार तेजी आती है तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में इसको समय नहीं लगेगा, और इस कंपनी का शेयर प्राइस 600 के पार आपको इजीली जाते हुए दिखेगा, और उसके बाद 650 और 700 तक जाते हुए ये स्टॉक आपको दिख सकता है। तो पेटीएम और LIC में आपको 650 से 700 तक जाने के लिए, मतलब प्राइस वहाँ तक पहुँच सकता है, इसके लिए तैयारी करके रखना है, कमर बांध के रखनी है, इसमें तेजी आएगी ही आएगी। और यदि लंबी अवधि के निवेशक है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, लंबी अवधि में आपको इन तीनों कंपनियों में हर्षा इंजीनियर्स, पेटीएम और LIC में तेजी बनते हुए दिखेगा। उम्मीद करता हूँ तीनों कंपनियों में शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।